हाय दोस्तों, साइज योर बैक विथ अनदर वीडियो। और आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि पोको F1 के लिए आया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप ग्रुप पे होंगे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे होंगे पोको F1 के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लेटेस्ट TWRP रिकवरी वर्जन 3.7.0.8.12 वर्जन 3। ठीक है, तो और यहाँ पर चेंज लॉक्स अगर आपने देखा होगा तो फिक्स्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑन एंड्रॉयड 14। सो फाइनली यहाँ पर जो है TWRP का लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है हमारे पोको F1 के लिए। सो अब ये किन लोगों के लिए अपडेट करना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप इंक्रिप्टेड यूज़र हो, अगर आपको इंक्रिप्शन रखना है अपने डिवाइस के अंदर, सो जब भी आप अपने डिवाइस को बूट करोगे रिकवरी के अंदर, अगर आप एक एंड्रॉयड 14 रोम आपने फ्लैश कर रखी है और उसको यूज़ कर रहे हो और आप एक इनक्रिप्टेड यूज़र हो, सो आपको कुछ इस तरह का इशू जो है देखने को मिलेगा। डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो इससे कोई लेना देना नहीं है और ये वीडियो भी आपके लिए उतना कुछ ज़रूरी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो और TWRP के पुराने वर्जन पे हो, जैसे कि यहाँ पे 3.6.12 यहाँ पे मैं इस वर्जन पे हूँ, सो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है TWRP की लेटेस्ट रिकवरी फ्लैश करने की, बट करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड 14 यूज़र हो और आपको इंक्रिप्शन मैंटर करता है, तो उस केस में आपको जो है ये लेटेस्ट TWRP रिकवरी फ्लैश कर लेना बेटर रहेगा। क्यों? जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इंस्टॉल सेक्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे पूरा जो है कुछ भी अनडिसर्न्ड या फिर बोलो XYZ यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मेरी जो फाइल्स है वो शो नहीं हो रही है एक्चुअली यहाँ पे। तो अब जब भी मेरे को कोई भी मैं फाइल डाउनलोड करूँगा, कुछ भी फ्लैश करने जाऊँगा, तो तब भी मेरे को हर बार फॉर्मेट डेटा पहले करना पड़ेगा, देन उस फाइल को जो SD कार्ड से इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करना पड़ सकता है, या फिर बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज शो ही नहीं करेगा। इवन मैंने यहाँ पे पैटर्न रखा है मेरे डिवाइस में, फिर भी मैं यहाँ पर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रिकवरी है एंड्रॉयड 14 में इंक्रिप्शन को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करती है। सो अब हम शिफ्ट होने वाले हैं जो कि इंक्रिप्शन को सपोर्ट करेगी। सबसे पहली चीज यहां पर आपको क्या करना है, आपका डिवाइस ऑन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे डिवाइस में मैंने कोई पैटर्न वगैरह सब कुछ रखा है लेकिन फिर भी यहां पर इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जो रोम यूज कर रहा हूं वो लेटेस्ट है। ठीक है, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 की जो रोम है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस इशू को फिक्स करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट फ़ोन को चालू होने देते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पैटर्न है, तो वही पैटर्न मुझे अगर रिकवरी में डाला होता तो मेरा मतलब पूरा इंटरनल स्टोरेज शो होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, राइट? और यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं पोको F1 में एंड्रॉयड 14 की जो लेटेस्ट AOSP जो रोम है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। करना क्या है, आपको जो लेटेस्ट रिकवरी उसको डाउनलोड करके अपने SD कार्ड या फिर पेनड्राइव में डाल के रख लो। मेरे पास PC में है, मैं उसको PC से कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड करके रखना है। देन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपके डिवाइस में जो भी पिन पैटर्न होगा उसको रिमूव करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अदरवाइज आपका डिवाइस लॉक होने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पे अपना जो पिन पैटर्न है उसको मैं कर देता हूँ नन। ठीक है, ये कर दिया मैंने नन। और अगर आपने इसमें Google ID डाल रखी होगी तो उसको भी निकाल के रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो है आपके डिवाइस में जो भी इंटरनल स्टोरेज में जितना भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको दूसरे SD कार्ड पेनड्राइव में डाल के रखो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमारे डिवाइस को ले जाएंगे रिकवरी के अंदर। मैं लिखे इसके ले जाता हूँ रिकवरी के अंदर। ठीक है, सभी चीज़ें जो जो बताएं उनको प्रॉपरली फॉलो करना, ठीक है, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डेटा का बैकअप ज़रूर लेना, अदरवाइज़ पूरा डेटा उड़ने वाला है, क्योंकि फॉर्मेट करना है हमको सबसे पहले। ये बातें ध्यान में रखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने PC में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं उसको इसमें जो है पेस्ट करूँगा। उससे पहले यहाँ पे तो ये कुछ शो हो ही नहीं रहा है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, वाइप पे जाओगे, फॉर्मेट डेटा पे होगे, यहाँ पे लिखोगे YES, राइट बटन पे टिक करोगे तो पूरा इंटरनल स्टोरेज उड़ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे बैक आओगे, रीबूट टू यहाँ पे करोगे रिकवरी। ठीक है, तो रीबूट टू रिकवरी हम कर लेंगे। वैसे आप इसको जो है डायरेक्टली SD कार्ड के थ्रू भी डायरेक्टली फ्लैश कर सकते हो, लेकिन वो गलत होगा, वैसा ना ही करना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इंटरनल स्टोरेज में आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी TWRP जो है यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ मेरे PC से यहाँ पर उस रिकवरी को। लेकिन आपको क्या करना है, आपके SD कार्ड में से आपको चूज़ कर लेना है, आपका जो है यहाँ पे सिलेक्ट स्टोरेज करके यहाँ पे OTG माइक्रो SD कार्ड जो कुछ होता है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे और जो है उसको फ्लैश कर लोगे रिकवरी को। ओके, मेरी रिकवरी जो है वो कॉपी हो गई है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंस्टॉल इमेज। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लेटेस्ट ये जो है रिकवरी है TWRP, ठीक है, बेरिलियम 3.7.0.8.12, ठीक है, 8.12 ब्रांच एंड वर्जन 3 एंड्रॉयड 14। सिंपली मैं इसको करूँगा सिलेक्ट कर लूँगा, रिकवरी पे सिलेक्ट करना है हमें, उसके बाद इसको करेंगे स्वाइप। इसका तो काम हो गया है,
उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ बैक, करूँगा रीबूट पे, आऊँगा रीबूट टू रिकवरी कर दूँगा। सो यहाँ पे ये रीबूट टू रिकवरी होगा और इसके बाद जो है हम इनक्रिप्शन जो है यूज़ में ले सकते हैं, प्रॉपरली सपोर्ट करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो लेटेस्ट TWRP शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर प्रेजेंटली कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तो ये सब कुछ सही है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमें कर देना है एक बार रीबूट टू सिस्टम, ओके। अब रीबूट टू सिस्टम करने के बाद यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है वो चालू हो जाएगा। ऑफकोर्स हमारा डिवाइस ऑलरेडी फॉर्मेटेड है तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम चालू होगा, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टली मैं SD कार्ड से इस रिकवरी को डायरेक्टली फ्लैश करता हूँ, सो वो प्रॉपर स्टेप नहीं रहेगा। वैसे भी कर सकते हो बट वो सही नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, मैं जैसा बता रहा हूँ, आपको पहले इंक्रिप्शन जो है उसको हटा लोगे जो पुरानी रोम है उसमें से, और ये रिकवरी को इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद जब आप इसको यूज़ में लोगे तो आपको प्रॉपरली जो है सारी चीज़ें सपोर्ट में देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पर मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर लिया क्योंकि सेटअप करने में टाइम लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पर रोम बूट कर लिया और यहाँ पे मैंने पिन पैटर्न भी रख लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पैटर्न मैंने यहाँ पे एंटर किया है L, ठीक है। और हमने जैसे कि इनक्रिप्शन लगा दिया है, अब देखते हैं कि इसको मैं रीबूट टू रिकवरी करता हूँ, देन उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट देखने को मिलता है। ओके, मैं इसको कर रहा हूँ रीबूट और अब देखते हैं, इसको हम ले जाते हैं TWRP के लेटेस्ट रिकवरी के अंदर और अब इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है कि नहीं ये चीज़ हम अभी चेकआउट करेंगे। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं रिकवरी के अंदर, अब देखते हैं कि ये क्या होता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अभी मुझे पैटर्न पूछ रहा है और मैं यहाँ पर पैटर्न ऐड करता हूँ। सो यहाँ पर जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अभी प्रॉपरली वर्क करेगा। अब ये जो है आप देख पा रहे हो पूरा इंटरनल स्टोरेज एज इट इज शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ में ले सकते हो इस लेटेस्ट रिकवरी को। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनको आपको बड़े ही ध्यान में रखना है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं जो रिकवरी है लेटेस्ट वाली जो एंड्रॉइड 14 रिकवरी है TWRP उसको मैं डायरेक्टली फ्लैश करता हूँ SD कार्ड या फिर पेनड्राइव में रख के और वो फॉर्मेट डेटा नहीं करता हूँ, तो कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कुछ कुछ केसेस में, मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिकवरी है वो TWRP के लोगों पे अटक जाए, तो फिर दिक्कत होगी। आपको फिर फास्ट बूट कमांड देके अपने डेटा को वाइप करना पड़ेगा, फिर रिकवरी ओपन होगी TWRP लेटेस्ट। तो ऐसा इशू ना हो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि फॉर्मेट कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है, ऑप्शनल है वो। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी एंड्रॉइड 14 पे रिकवरी पे आ चुका हूँ तो अभी मैं कोई भी रोम फ्लैश कर सकता हूँ, एंड्रॉइड 13, 12, 11, ना ऐसा नहीं करना, ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो एरर्स देखने को मिलेंगी क्योंकि ये जो रिकवरी है स्पेशली एंड्रॉइड 14 रोम्स के लिए सो उसी पे अच्छे से वर्क करेगा। एंड्रॉइड 13 वगैरह फ्लैश करने जाओगे तो एरर्स आएंगे, कभी कभी फॉर्मेट नहीं होगा, कभी कभी कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा प्रॉपरली, तो ये बात ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें मैंने टेस्ट कर ली है, उसके बाद आपको सब बताता हूँ। भाई आपका पूरा सब कुछ देख लेता है, आगे पीछे से मार लेता है, फिर आपको वीडियो बना के देता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना।